बार कहते भगवान बस एक बार जो मेरे मन में बस एक बार कर दो, इसका मतलब जो आज तक चलता रहा वो तो ठीक ठाक नहीं था, बस जो मैं कह रहा हूं बस वही, बस वो सब ठीक है मेरी समझ। सच माने आइए इन समझदारों की समझ से काम करें। इसलिए वेद ने पूरी सृष्टि को आज सुपर कंप्यूटर के भटकर साहब जोरदार तालियों से, वो अभी नहीं है यहां पर, आप जोरदार तालियों से शख्स का अभिनंदन करिए, व्हाट ए मैन, सुपर कंप्यूटर, उसके लिए खुद को भी, और वो भी सुपर कंप्यूटर बनाने वाला ऐसा जो इतना विनम्र लगता ही नहीं, कहीं से गुजर जाए तो पता ना लगे कि ये सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, जिस पर इस देश को गौरव है, विश्व को गौरव है। चार देश अमेरिका, जापान, चीन और भारत इस दौड़ में हैं कि कौन सुपर कंप्यूटर बनाएगा, और सुपर कंप्यूटर वही बनाने जा रहे हैं जो वेद को भी अपने दिलों से जोड़कर, अपने जीवन से जोड़कर चल रहे हैं, वही इस देश के लिए कंप्यूटर खड़े हो जाएंगे, सुपर कंप्यूटर भी खड़े हो जाएंगे, लेट मी टेल यू। लेकिन हाउ टू बी सुपर, हाउ टू स्टे सुपर, When things are well, all is well. When things are not well, then all is well. ये समझने की जो शक्ति है, maybe things can go up and down, but you don't go up and down. ये जो समझने की शक्ति है, ये वेद से मिलेगी। सुपर होने की, सुपर कंप्यूटर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन खुद को सुपर बना लेने का मतलब है, जब भी पूछो कैसे हो, मुझे याद है जंगल में 3 दिन तक खाना नहीं मिला था, भिक्षा करते थे, चलते जाते थे, जहां रात आ गई सो गए, दिन में भिक्षा की नाली, खेत वाली नाली, उसमें सो गए, और कोई पूछे 3-3 दिन के बाद भोजन नहीं मिला कैसे हो, बोले मस्त, वो मैंने स्वामी जी को देखा, कैसे हो, बोले मस्त, मस्त माने सुपर, उससे ऊपर क्या हो सकता है, मस्त, जहां कुछ और चीज की मस्ती के लिए जरूरत नहीं है, मस्ती किसी चीज की वजह से है तो फिर वो मस्ती नहीं हो सकती। ऐसे लोग, और वो वेद ने मस्ती दी, वो वेद ने मस्ती दी, ऐसे ऐसे लोग कहते थे वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माहे, जो कुछ हम कहें, क्योंकि उन्हें वेदों को जाना था, बोले कई बार लगता है कि शायद वेदों में भी ना है, क्या मस्ती उनकी, अनुभव, ऐसे अनुभवी फकीर। और मुझे लगता है कि समय आ गया है स्वयं को जानने के लिए। सारी दुनिया को बात कर रहे थे हमारे कई वक्ता, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, मुझे लगता है कि सारे विश्व के ज्ञान को विज्ञान समझा सकता है, सारी सृष्टि तक पहुंचा सकता है, लेकिन स्वयं तक तो वेद ही पहुंचा सकता है, विज्ञान नहीं। विज्ञान सृष्टि तक पहुंचा सकता है, लेकिन वेद आपको स्वयं तक पहुंचा सकता है, स्वयं का पता बता सकता है, क्योंकि उन कणाद की बात, जो जिस सांख्य दर्शन की बात आज हमारे विजय भटकर साहब कर रहे थे, सच मानिए पत्ते खाकर, पिपला पत्ते खाकर जिन ऋषियों ने अपने जीवन का पता बता दिया, लोग ढूंढते फिरते हैं पता ही नहीं है लोगों को, पत्ते खा खाकर उन ऋषियों ने जीवन के जीवन का पता बता दिया, खुद का पता बता दिया, उन कणाद ने जिस कणाद की बात वो कर रहे थे, कण कण बीन बीन कर, उस संघ के दर्शन का वैशाषिक, ये सारे दर्शनों को उन लोगों ने इस तरह से हम लोगों को दे दिया, और उनका करके चले गए, नो सिग्नेचर, कई सिग्नेचर नहीं है, करके चले गए। आज वेद, मुझे तो लगता है समय आ गया है, यदि हम विज्ञान की भाषा से, कंप्यूटर की भाषा से, इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, और इंटरनेट के बाद माध्यम से, इंटरनेट कैन गिव यू द फास्टेस्ट स्पीड ऑन दिस अर्थ टू कनेक्ट विद अदर्स, दे सकता है, अब वो क्षमता आ गई है, इंटरनेट से आप जुड़ सकते हैं विज्ञान के माध्यम से, लेकिन इंटरनेट से कैसे जुड़ना है वो तो केवल वेद ही बता सकता है। ये बहुत जरूरी है। तो इंटरनेट और इंटरनेट के, दूसरी बात, मजे की बात, वेद की वो जो खूबसूरत बातें हैं वो ये है कि इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में बैलेंस कैसे बनाए रखा जाए,
कैसे उनको दोनों को साथ साथ लेकर चला जाए। बोले विज्ञान आपको शेल्फ भरने, आपकी अलमारियों के शेल्फ तो भर सकता है विज्ञान, लेकिन शेल्फ भर गए, बहुतों ने शेल्फ भरने की कोशिश की और खाली चले गए शेल्फ, क्योंकि यही रह गए। अलमारियों के शेल्फ भर गए लेकिन शेल्फ खाली रह गया। वेद कहता है शेल्फ भी भरो लेकिन शेल्फ खाली ना रह जाए। शेल्फ और सेल्फ के बीच में जो सेतु बनाता है वो है वेद का ज्ञान। आज उसी वेद की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि वेद को जान, देखो जो शिकायत करने की बात बार बार लोग कहते हैं बहुत ये हो गया वो हो गया, मैं कहता हूं जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो आज भी किसी से कम नहीं। भारत के पास बहुत कुछ बचा है। नाज है मुझे हमारी पवित्रा जी पर और अपनी सूर्या जी पर, क्या देवियां हैं, और ऐसी कई आचार्य हैं जो ज्ञान का भंडार है, पूरा जीवन दे दिया उन्होंने, आहुति अपने जीवन की। लोगों ने तो यज्ञ किए, उन्होंने अपने जीवन को ही यज्ञ बना दिया, जीवन को यज्ञ बना दिया। मैं आज देख रहा था उन कन्याओं को जब वो बोल रहे थे, क्या बात है। मैं तो चाहता हूं इस देश में आज इसी बात की आवश्यकता है। बहुत कर ली लोगों ने नफरत, नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। जब करना ही है यार कुछ जिंदगी में तो चलो मोहब्बत से शुरुआत करें, और वेद इसी मोहब्बत की बात करता है क्योंकि हम एक हैं। मोहब्बत वही होती है जब दिल दिल से मिलते हैं, जब दिल एक होते हैं तो मोहब्बत होती है, उन दिलों को मिलाने की भाषा वेद करता है। क्यों कहता है मनुर्भव, एक गधे को गधा बनने के लिए, एक गधे को गधा बनने के लिए किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। गधा गधा है, कभी देखा है सर्टिफाइड गधा, आई एम ए सर्टिफाइड डोंकी। एक बंदर को बंदर बनने के लिए किसी विश्वविद्यालय में नहीं जाना पड़ता, नहीं कहना पड़ता कि मैं आई एम ए सर्टिफाइड मंकी। प्रमाणित बंदर, प्रमाणित एक आदमी को आदमी बनने के लिए ना जाने कितनी डिग्रियां इकट्ठी करने के बाद भी घर वाली बोल देती है थोड़ा आदमी बनो, घर वाली बोल देती है थोड़ा आदमी तो बनो, थोड़ा तो ख्याल रखो, बहुत हो गया। लेकिन फिर भी बिचारी क्या बात है, घर को भी बना के रखती है, घर वाले को भी बना के रखती है, सब कुछ सजा के रखती है, लेकिन हम उसको भी सजा देते रहते हैं। जो सजा रखती है हमारे घर को, हम उसको सजा देते रहते हैं। इसलिए समय आ गया है, समय आ गया है तीन तलाक का नहीं बल्कि तलाक को तलाक देने का समय आ गया है। उन मेरी बहनों ने क्या कसूर किया है, उनके कपड़ों में रहकर तो देखो, उनके दिलों में जाकर बैठकर तो देखो। जिसको उस नरक से गुजरना पड़ता होगा उसको पता है कि इस जन्म का रास्ता भगवान अल्लाह किसी को ना दिखाए। तलाक कितना कुछ टूट जाता है, कितना आसान है तीन बार कह देना तलाक, लेकिन सोचो उस तीन बार के, उस तलाक शब्द से कितना कुछ टूट जाता है, कितने दिल टूट जाते हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए आज संविधान की बात हो या मुझे लगता है शरीयत की बात हो, समय आ गया है कि आज समाज के साथ नमाज को जुड़ना बहुत जरूरी है। नमाज केवल मस्जिदों तक ना रहे बल्कि नमाज मेरी समाज के साथ जुड़े। शरीयत वही है जो मुझे शराफत का पाठ पढ़ाती रहे, शरीयत वही है जो मुझे शराफत के रास्ते पर चलाती रहे, शरीयत वही है, यही तो संविधान है। और इस देश का और कोई समाधान नहीं है, संविधान ही समाधान है, संविधान ही समाधान है।
इसलिए इस वेद ने बहुत कुछ दिया। मैं तो चाहता हूं, बहुत कुछ दिल में है, लेकिन समय की मर्यादा है, इतना ही कहूंगा। यदि हम चाहते हैं हम इन भेद की दीवारों को तोड़ें, तो आइए वेदों को पढ़ें। सारे भेद इन दीवारों की वजह से हैं, सारी दरारें इस भेद और भाव की वजह से, इन भेद भाव को तोड़े छोड़े। और जितने भी छेद किए जा चुके हैं हमारी नौका में, हम सोचते हैं वो तो उस किनारे में छेद हुआ है। सच मानो यारों, हम एक ही नौका में बैठे हैं, एक ही नौका में बैठे हैं। छेद वहां हुआ या छेद इस कोने में हुआ, लेकिन छेद हमारी नौका में हो रहा है। उन छेद वालों को, उन भेद डालने वालों को बता दें आज बहुत हो गया, बस अब ना तो भेद की चलेगी ना छेद की चलेगी, अब केवल यदि किसी की चलेगी तो वेद की चलेगी। वेदों को जाने समझें, जो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रिदः कस्य सिद्धनम्। द होल वर्ल्ड इज परवेडेड बाय द डिवाइन। हम सब एक हैं, एक ही की संतान है, तो एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे, तो एक दूसरे के लिए जिएंगे तो वतन के लिए और मरेंगे वतन के लिए। देव भक्ति करो अपनी अपनी, कोई चिंता नहीं है। कह रहे थे ना हमारे आरिफ साहब, 7.5 बिलियन पीपल, जितनी मति उतनी गति, उतने पंथ जितने मत उतने पद, पंथ होंगे, doesn't matter, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, doesn't matter, God loves diversity, God loves diversity, ये उसकी विशेषता है। 7.5 बिलियन पीपल, किसी की शक्ल एक दूसरे से मिलती नहीं है यार, जब उसने ऐसा बनाया हमको, बाहर से कुछ भी ना मिले, बाहर से कितने भी मतभेद रहे, लेकिन मन भेद ना रहे, हम एक हैं, एक बनकर रहें। हम देव भक्ति करें अपनी अपनी, लेकिन देश भक्ति कभी ना छोड़ें, अपने इस वतन को चमन बनाए रखने के लिए, अपने इस वतन को चमन बनाए रखने के लिए अमन लाना बहुत जरूरी है। और अमन तभी रहेगा जब हम एक मन रहेंगे, हम एक दिल रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, और ये हिंदुस्तान का गुलिस्तां इसी तरह से महकता रहे, खिलता रहे, खिल खिलाता रहे, और कभी भी किसी को भी उदासी ना आए, निराशा ना आए, आए तो एक दूसरे का साथ दे। मुझे कितना अच्छा लगा आज सुबह सुबह जब मेरी मुस्लिम बहनें यज्ञ कर रही थी, आहुतियां दे रही थी, एक नया इतिहास लिख रही थी, आहुतियां नहीं थी, एक नई आयत पढ़ रही थी, उस आहुति से एक नई आयत पढ़ी मेरी बहनों ने। आज आज इस देश को ऐसी आयतों की जरूरत है, जो बात इंसानियत के लिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कुछ कम न थे करूबियां। करने दो उन फरिश्तों को पूजा, अपने तो कम से कम एक दूसरे के दिल के दुखों को बांट लें, यही इंसानियत है। आज इसी इंसानियत के पथ पर चलने की जरूरत है। हम वेब पेज पे तो बहुत जाते हैं, ना जाने कितने वेब के पन्ने पलटते हैं, लेकिन वेब पेज नहीं, मुझे लगता है कम से कम एक दिन में कितने वेब के पन्ने पलटते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं। अब वेबसाइट पे नहीं, मुझे लगता है वेब पेज नहीं बल्कि वेद का पेज खोल के देखो, एक वेद पेज, वेब पेज से वेद पेज, एक पेज खोल के देखो रोज, पढ़ो उसको, समझो उसको, और उसको अपने जीवन का पाथेय बना लें। बहुत काम बन जाएगा, घर भी बसा रहेगा, मोहल्ले भी बसे रहेंगे, और मोहल्ले बहुत बड़ा काम करते हैं। जब मोहल्लों में ये बातें चलती है ना मोहब्बत की, तो माहौल बनता है, और जब माहौल बनता है तो मुल्क बदलता है। तो ये मोहल्ले से मुल्क की यात्रा है, इस मोहल्ले से जो आज पैगाम, ये मोहल्ला बना दिया हमने, मोहब्बत का मोहल्ला, इससे मोहब्बत का पैगाम जाएगा। और यही तो वेद कहता है, आज स्वामी जी ने सुबह सुबह कहा था, वेदों का है ये ऐलान,
मानव मानव एक समान, पर मैं तो कहूंगा सबके भीतर है भगवान, एक ही अल्लाह एक भगवान। यदि एक ही है तो किससे किसको लड़ना। अब तो बस हम सब यहां से और आप सब वहां से, क्योंकि अंतिम ये प्रवचन है। और अंतिम में जब मैं समापन कर रहा हूं, जैसे मैंने देखा कि एक नई आयत मेरी बहनों ने वहां यज्ञ शाला के पास बैठकर पढ़ी। आज चार बहनें मेरी बैठी हैं अभी मैंने देखा पीछे, और वो सुनने आई। बड़ी हिम्मत चाहिए बहन। मैं तो खड़ा क्या कर रहे हैं आज, तो मैं कहता हूं यहीं लाइए, आपको एक दरख्त देंगे मोहब्बत का, जो सारी दीवारों को तोड़ देता है, सारी दरारों को भर देता है। मैं मेरी चारों बहनों को बोलूंगा आज आपके साथ ही मंच पे, हम मौलाना साहब बुलाइए आ जाए, चारों को हम सम्मान करते हैं आपको एक पौधा देकर, मोहब्बत का दरख्त देकर। इस मोहब्बत के पौधे को आप लगाइए, आज की यही पूर्णाहुति होगी आज के सत्र की, कि हम सब मिलकर, हम जब ये बहनें आ रही हैं या मंच पे होंगी, हम सब इधर से हाथ खड़ा करके एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, और आप सब वहां खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ जुड़ेंगे, दिल जुड़ेंगे, और संकल्प होगा आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। आइए बीच में आइए, और इनको पौधे से हम हमारी बहनों का आज सम्मान करेंगे जिन्होंने एक नई आयत लिखी। परवीर आर्या जी भी मंच पे आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।